अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डायटिशियन हीना फरीदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हीना हेल्थ। आप में से बहुत से लोग नीचे कमेंट सेक्शन में एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, हमने काफी डॉक्टर्स का इलाज करवा लिया। बहुत सी फीमेल्स तो आईवीआई आईवीएफ भी करवा लेती हैं बट एट द एंड कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते और काफी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेन मुख्य कारण है महिलाओं के अंदर हार्मोन का डिस्टर्ब होना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि चाहे आपको पीसीओडी हो या ना हो, चाहे आपको डॉक्टर ने बोला है नहीं बोला है आपको हार्मोनल इश्यूज है, बट आप अपने हार्मोन्स पे और अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके कैसे इजीली बिना किसी ट्रीटमेंट के घर पे ही कंसीव कर सकते हैं। देखिए, एक सोचने वाली बात यह है कि हमें कंसीव नहीं हो रहा है। बहुत से कपल्स जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स होती है, डॉक्टर बोलते हैं कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है बट फिर भी स्टिल आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, ऐसे पेशेंट को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में डाला जाता है। एज सच अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जैसा कुछ भी नहीं होता है। कहीं ना कहीं पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तभी वो कंसीव नहीं कर पाते हैं और मेडिकल रिपोर्ट हर जगह नहीं जा सकती जो आपकी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से अपने हॉर्मोन्स को आप इजीली मैनेज करके, अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करके इजीली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। अगर आपको हॉर्मोन इम्बैलेंस है बॉडी में, मेनली जो पीसीओडी पीसीओ महिलाएं हैं उनके अंदर तो सिम्टम्स आएंगे, जैसे मेंसेस इरेगुलर हो रहा है, हर्सुटिज्म हो रहा है यानी चेहरे पे बॉडी पे अनचाहे बाल आ रहे हैं, बाल झड़ना जैसी प्रॉब्लम, वेट गेन जैसा इशू, मूड स्विंग होना, एक्ने होना। तो ऐसा अगर आपको बॉडी में सिम्टम दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी हार्मोनल इश्यूज की वजह से सफर कर रही है और वो आपको इंडिकेशन दे रही है। तो आप चाहे तो आप जाके मेडिकली भी रिपोर्ट करा के ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपको पीसीओडी है या नहीं है। मेनली फीमेल बॉडी के अंदर एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है जो मेल हार्मोन होता है, ये बढ़ने के कारण पीसीओडी पीसीओएस की समस्या आती है महिलाओं के अंदर। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ पीसीओडी पीसीओएस की समस्या को ही नहीं कवर कर रही हूँ, पीसीओडी पीसीओएस समस्या को हम आम भाषा में हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम भी कहते हैं। बट बहुत सी ऐसी फीमेल्स है जो कंसीव नहीं कर पा रही है और डॉक्टर ने भी उनको ये नहीं बताया कि उनको हार्मोनल इश्यूज है, क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिस में ये देखा है बहुत सी फीमेल को हार्मोनल इश्यूज तो होता है बट या तो वो नहीं समझ पाती या तो उनके जो हेल्थ कंसल्टेंट है वो उनको नहीं बता पाते हैं या उनको नहीं बता के सिर्फ मेडिसिन दे देते हैं। तो आपको हार्मोनल इश्यूज है या नहीं है, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ इसको फॉलो करके आप इजीली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना डाइट अच्छा रखना है। डाइट में आपको चीनी, मैदा, चाय, कॉफी, बाहर का जंक फूड, मैदे से बनी हुई चीजें, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ बंद कर देना है। शुगर का इंटेक भी बंद कर देना है क्योंकि हमारा इंडिया है तो यहाँ पे लोगों की शुरुआत चाय से होती है और बहुत से लोगों को चाय ना पीने पे हेडेक का प्रॉब्लम होता है। तो दिन भर में आप एक कप चाय पी सकते हैं लेकिन शुगर की मात्रा बहुत कम या नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा, या गुड़ की आप चाय पी सकते हैं, एक कप से ज्यादा आपको चाय नहीं पीनी है। इस तरीके से आप अपनी डाइट को अच्छी तरीके से घर पे ही मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है, हल्का बना हुआ खाना आप खा सकते हैं। बहुत से लोग ये पूछते हैं कौन सी सब्जी खाए, कौन से फल फ्रूट खाए, तो बेस्ट रहेगा आपके मार्केट में जो भी सीजनली फ्रूट्स वेजिटेबल्स अवेलेबल है आप वो सारे ही खा सकते हैं। कॉस्टली फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अवोकाडो खाएंगे, अगर आप बेरीज खाएंगे तो ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी, ऐसा नहीं है। जो भी सीजनली लोकल मार्केट में अवेलेबल है सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं। जिन भी महिलाओं को थायराइड और डायबिटीज की प्रॉब्लम है कृपया करके वो अपनी मेडिसिन टाइम पे ले। मैंने प्रैक्टिस में ये भी देखा है महिलाओं को थायराइड होता है, डायबिटीज होती है, लापरवाही करके डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन वो नहीं खाते, छोड़ देते ये सोच के कि हमें नेचुरल कंसीव हो जाएगा। एक बात समझने वाली ये है कि अगर आपको थायराइड का इशू है, डायबिटीज है, तो इसके साथ में आप प्रेग्नेंट तो हो सकते हैं लेकिन उसको कंट्रोल करके आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन की जरूरत लगेगी आपको। अगर आपने मेडिसिन ही छोड़ दी, अगर आपको थायराइड है, डायबिटीज है, तो आप कैसे प्रेग्नेंट हो पाएंगे, आपका ओवुलेशन कैसे होगा टाइम पे? तो ओवुलेशन नहीं होगा टाइम पे, पीरियड नहीं आएगा, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, एट द एंड आप निराश हो जाएंगे। तो कोई भी ट्रीटमेंट करने से अच्छा है पहले आप अपनी बॉडी को सुधारिए, जो प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी है उसकी मेडिसिन लेना स्टार्ट करिए, या इसके ऊपर होम रेमेडीज भी मैंने काफी शेयर की हुई है वो होम रेमेडीज देखकर उसको फॉलो करिए।
जैसे धनिया का पानी पी सकते हैं आप थायराइड को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं तो ये होम रेमेडी को अवॉइड करिए। और अगर किसी को शुगर का इश्यू है तो आप रात को थोड़ी सी कलौंजी और 1 टीस्पून मेथी दाना ऐड करके पानी के अंदर ओवरनाइट सो करके रख सकते हैं। मॉर्निंग में 1 टीस्पून नमक पी सकते हैं। इससे आपका जो डायबिटीज है, जो शुगर है, वो कंट्रोल में आता है। दोनों हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं। साथ ही में आपको कोशिश करना है कि आधे घंटे का आपको वॉकिंग और आधे घंटे का योगासना जरूर करना है। योगासना में कपाल भारती, अनुलोम विलोम, चक्की चलासन और बटरफ्लाई पोज, ये योगासना आपको अपनी लाइफ में ऐड करना है। और अगर किसी फीमेल को बहुत ज्यादा टेंशन है, चाहे घर का हो या बाहर का हो, और या फिर आप कंसीव नहीं कर पा रहे इसका है, तो आप मेडिटेशन भी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सी महिलाएं रात को प्रॉपर नींद नहीं ले पाती है, चाहे वो आपको हार्मोनल इश्यूज का कारण हो या इंसोमेनिया का प्रॉब्लम है या तो पीसीओडी पीसीएस का कारण है। आप रात को नींद प्रॉपर नहीं ले पाएंगे क्योंकि महिलाओं के जो अंदर हार्मोन्स होते हैं वो रात को ही डेवलप होते हैं। और अगर आपकी रात की ही नींद डिस्टर्ब है तो आपके हार्मोन्स कभी भी मैनेज नहीं हो पाएंगे और बैलेंस नहीं हो पाएंगे। तो रात की नींद प्रॉपर लेना स्टार्ट करिए। दूसरी चीज ये है कि आप मून चार्ज वाटर ले सकते हैं ताकि आपके हार्मोन बैलेंस हो। इसके ऊपर भी मैंने पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपके घर में ग्लास का बॉटल है या फिर स्टील का बॉटल है, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। पानी को पूरा फिल कर लीजिए बॉटल के अंदर और बाहर आप अपनी विंडो के रख दीजिए जहां पे उसको मून की लाइट मिल सके। पूरा रात भर रखिए और दिन भर में वो पानी पीजिए। इससे आपके हॉर्मोन्स बहुत अच्छे से मैनेज होंगे क्योंकि मून का कनेक्शन फीमेल के साथ होता है। फीमेल के साइकिल भी 28 डेज की होती है और मून का साइकिल भी 28 डेज का होता है। एंड आपने ये भी देखा होगा जिस तरीके से मून रात को निकलता है, वैसे ज्यादातर फीमेल्स के पीरियड भी रात को ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं मून और फीमेल का जो कनेक्शन है वो काफी सिमिलर है। इसके लिए आपको मून चार्ज वाटर लेना है अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। सुबह में जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोने की कोशिश करिए और अगर हो सके तो A2 काऊ घी मिल्क आप अपनी डाइट में 2 टीस्पून जरूर ऐड करें। जिनका वेट ज्यादा है, वेट लॉस करना चाह रहे हैं, ऐसे लोग घी को अवॉइड कर सकते। ये सारी चीजें अगर आप अपने घर पे करते हैं, और मैंने अपने YouTube चैनल पे जितनी होम रेमेडीज बताई है उसमें से अगर आप 4-5 होम रेमेडी भी फॉलो करते हैं अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, जैसे ब्लैक रेजिन वाटर हो गया, सीड साइक्लिंग हो गया, योगा आसनास हो गए, तो आप ये सारी चीजें फॉलो करके इजीली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। आपको कोई बहुत बड़े ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, जैसे IUI, IVF या एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो एक नॉर्मल डॉक्टर की फीस भी नहीं दे सकते हैं, इतने गरीब होते हैं। तो अगर आप भी कोई गरीब फैमिली से हैं और नहीं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ट्रीटमेंट, तो आप कोशिश करिए कि आप अफोर्डेबली अपने घर पे ही बैठ के इन होम रेमेडीज के साथ में इजीली प्रेग्नेंट हो सके। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। साथ ही में आप हमें वेबसाइट पे भी विजिट करिए www.heenahealth.in, ताकि आपको हमारे बारे में और भी जानने का मौका मिले। और साथ ही में आप हमारा हीना हेल्थ एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। हीना हेल्थ का एक ही ऑफिशियल नंबर है अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसी नंबर पे आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए मैसेज करना है। अगर आप ऑफलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मुंबई में ही रहते हैं, तो आप मेरे क्लिनिक पे पर्सनली आके मुझसे बात कर सकते हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करके, अपनी रिपोर्ट्स दिखा के मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं। और जो लोग ऑफलाइन नहीं आ सकते, वो लोग ऑनलाइन भी कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अनदर न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।